बात करते हैं हम थोड़ा पीछे से, मतलब कि 15 अरब साल पहले वैज्ञानिकों के अनुसार तब हमारे सृष्टि का निर्माण हुआ था। हम सबको पता है बिग बैंग हुआ, उसके बाद ये दुनिया बनी। उसके बाद पृथ्वी पर कितने जीव जंतु हुए होंगे, कितनी स्पीशीज हुई होगी, लेकिन एक मानव जाति एक स्पीशीज ही थी जिसने अपने अनुसार ये दुनिया बनाई जो दुनिया आज हम देखते हैं। लेकिन अगर आप टाइम स्पान देखेंगे कितना समय था, तो आप देखेंगे कि एक हाथी और एक चींटी में जितना अंतर होता है, इतने ही सृष्टि के शुरुआत से इतने ही कम समय के लिए मनुष्य इस धरती पर है। लेकिन पूरी दुनिया अब हमारे अनुसार ही है। ऐसा लगता है कि केवल इंसानों की ही धरती है। ऐसा क्यों हुआ? हम इतने विकासशील क्यों रहे? ताकत में दूसरे जीव जंतु हमसे ज्यादा थे, कुछ की बुद्धि भी हमसे बड़ी थी, लेकिन हम इतना इवोल्यूशन क्यों कर पाए और हम इतना विकास क्यों कर पाए? क्योंकि हमें पता था कि किस मुद्दे पर वजन देना चाहिए, किस मुद्दे पर कितनी बात करनी चाहिए और किसे हल्का छोड़ना है, किसे भारी पकड़ना है। तो यही आज का हमारा मुद्दा है। आज हम है जनता की बात में, और जनता की बात को समझेंगे कि जनता क्या सोचती है, कि आज हमारे समाज में उन मुद्दों को, उन विषयों को उतना तुल दिया जा रहा है, उतना वजन दिया जा रहा है जितना देना चाहिए, या फिर उनको मुद्दों को जिन्हें ध्यान भी नहीं देना चाहिए उन पर ज्यादा तुल दिया जा रहा है, ज्यादा वजन दिया जा रहा है। अब यहाँ पर मैं अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी दे सकता हूँ, लेकिन अब हम शो में हैं जनता की आवाज में, तो आइए जनता की आवाज सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूँ तुषार और आपके सामने पेश करूंगा जनता की आवाज। तो आइए अब हम शुरू करते हैं, एक एक करके हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि जनता इसके बारे में क्या सोचती है। तो यह हर किसी के व्यक्तिगत राय है। भारत में 1,025 करोड़ लोग हैं, वो सब अपने अपने आप में हिंदुस्तान है। जितने प्रतिशत हिंदुस्तान आप हो, उतने प्रतिशत हिंदुस्तान में हो, इतने ही हम सब हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, हेलो हेलो। तो पहला मैं आपको विषय बता दूं कि हमारा विषय है कि हमारे समाज में आपको क्या लगता है कि जितना तुल दिया जाना चाहिए उतना तुल उन विषयों को मिल रहा है जिन्हें मिलना चाहिए, या फिर नहीं मिल रहा है? कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन्हें तुल मिल रहा होता है, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है। जैसे एग्जांपल हाथरस ले लीजिए और एक सुशांत राजपूत का सुसाइड केस ले लीजिए। तो उस सुसाइड केस को इतना हवा बना रखा है, लेकिन उसमें एक्चुअली में उसमें न्याय क्या मिल रहा है, उसमें कंक्लूजन क्या हो रहा है, बस हर जगह उस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है लेकिन कंक्लूजन कहाँ हो रहा है। और दूसरी बात करते हैं, अगर हम हाथरस वाले मामले में, तो हर जगह आप देख सकते हैं लोगों में आक्रोश है, लेकिन आक्रोश से क्या हो सकता है? अगर उसपे कुछ आप एक्शन लेते हैं तो वो बात है। उस बच्ची को, मनीषा को इंसाफ मिलता है तो वह एक मुद्दे की बात है, क्योंकि सभी मुद्दों को उठाया तो जाता है लेकिन एक समय के लिए उन्हें दबा दिया जाता है। जी बिल्कुल सही बात है, आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि आक्रोश है आपके अंदर, ये सब कि ये गलत हो रहा है, तो उसे एक संगठित एक ऊर्जा बननी चाहिए समाज में, तभी परिवर्तन हो सकता है। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि आपको अपने आसपास के समाज में अगर एक चीज आपको लगे कि इसे ज्यादा इसको वजन मिलना चाहिए, ज्यादा बदलने की सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे आम जीवन में आपके शहर में, तो आपको क्या लगता है? एक कोई सबसे पहले तो अगर किसी भी मुद्दे को उठाते हैं तो उसे सिर्फ उठा बार दबा दिया जाता है, ना हो अगर उस मुद्दे को उठाया है तो उसका परिणाम भी जाया जाए और उसका कंक्लूजन तक जाया जाए। बिल्कुल सही बात कही आपने कि किसी भी चीज की शुरुआत हम कर सकते हैं, लेकिन उस शुरुआत का मतलब तभी रहता है जब उस बात को हम अंत करें। मान लीजिए हम एक रेस में दौड़ रहे हैं, अब रेस में हमने शुरुआत कर दी, लेकिन अगर हम रेस में अंत तक नहीं पहुंचे तो उस रेस में शुरुआत करना, दौड़ने का कुछ भी अर्थ नहीं रह जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात की हमने और बहुत सारी चीजें समझने को मिली। देखिए जो हम बात कर रहे थे जनता की आवाज, असल में जनता मिलकर ही देश बनता है, ये बात हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी किताब में कही थी भारत एक खोज। शुरुआत ही वो करते हैं कि भारत माता क्या है, क्या है भारत माता? हम कहते हैं भारत माता की जय, बचपन से बच्चे को सिखाया जाता है कि भारत माता की जय बोलो, भारत माता का सम्मान करो, लेकिन असल में भारत माता है क्या? इसका जवाब बहुत बखूबी तौर से पूर्व प्रधानमंत्री देते हैं कि भारत के लोग भारत माता है। हम जो जिस तरह का जीवन जीते हैं वही भारत माता को निर्मित करता है, भारत के लोग ही भारत माता है। अब आइए हम आगे चलते हैं और इनसे भी कुछ सवाल पूछते हैं, अगर आप मुझे थोड़ा सा स्थान देंगे तो मैं भी बैठ जाऊंगा, ताकि शांति से चर्चा होने की भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरत है कभी कभार हमारे देश में, आक्रोशित होने की जरूरत है, बैठ के चर्चा करने की भी। तो जो हमारा मुद्दा है जनता की आवाज में कि
आपको क्या लगता है हमारे समाज में कुछ मुद्दों को जितना तुल देंगे वो नहीं मिल रहा है, या फिर जिन्हें नहीं देना चाहिए क्या उन्हें ज्यादा मिल रहा है? तो आपके अंदर ये देख के कैसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेन मुद्दों से बात भटकाने के लिए कुछ मुद्दे आजकल खड़े करे जाते हैं। जैसे पहले ऐसा होता था कि जो समाज में जो बात जरूरी होती थी वो होती थी, बट अगर हम देखें तो टीवी डिबेट में मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कुछ मुद्दे रोज बनाए भी जाते हैं, कुछ मुद्दे जबरन से उखाड़े भी जाते हैं, कुछ पुराने मुद्दे भी हैं जिनकी अब शायद जरूरत नहीं है उनमें बात करना, लेकिन उनके ऊपर भी रोज बात होती है। तो मेरा ये कहना है कि मुद्दे उठाना जरूरी है, आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन आवाज किस चीज के लिए उठाना है और क्या वो आवाज सही है ये जानना पहले बेहद जरूरी है उसके लिए। और जैसे अगर मुद्दों की बात करें तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ टीवी डिबेट पे ही मुद्दा उठाना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको पहले अपने समाज में भी, अपने आसपास भी, अपनी जो भी आपके आसपास जो भी परेशानी है या आपके समाज में जो भी कमियां है, आपके लिए आपकी आवाज हर जगह बुलंद होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ टीवी के डिबेट पे बैठे तो ही आपका वहां पे आवाज जा रही है तो ही आपका कुछ हो रहा है। आपको अपने समाज में भी मुद्दे उठाना जरूरी है, आपको अपनी व्यक्तिगत परेशानियों पर बात करना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दे उठाना बहुत जरूरी है, लेकिन ये उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और उस पर क्या बात कर रहे हैं। अब जैसे आजकल अगर आप देखेंगे तो लोग मुद्दे उठा तो रहे हैं, लेकिन मुद्दों के बारे में अगर मैं ठीक तरीके से बात करूं तो 90% किसी को जानकारी भी नहीं होगी कि किस बारे में बात चल रही है। जैसे अभी अगर आप सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस को लेके देखेंगे तो हर तरफ कहीं ना कहीं अटकलें लगा रहे हैं लोग, जैसा मीडिया पे देखते हैं उसको लेके कई कई कहानियां बनाई दी जा रही है, बट लोग ये बात समझ नहीं पा रहे कि वो काम कोर्ट का है, उसके लिए हमारा न्यायालय है, तो हमें वेट करना चाहिए उस चीज के लिए। उस पर हम एक जबरन का मुद्दा क्यों बना के बैठे हुए हैं कि उसके लिए क्या हो रहा है? और भी बातें हैं कई देश में बात करने के लिए, जैसे देश की इकोनॉमी इतनी डाउन हो चुकी है, अर्थव्यवस्था हमारी खराब है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, इनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है बैठ के। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेन मुद्दों से अगर ध्यान भटकाने के लिए अगर कोई मुद्दा बनाया जा रहा है तो वो गलत है। किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए पहले आपको उसके लिए पूरी जानकारी होना चाहिए। अगर आपके पास जानकारी होगी तो ऑब्वियसली बात है फिर आपको समझ में आएगा कि ये मुद्दा बात करने लायक है या नहीं। बिल्कुल, एक बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि पता होना चाहिए कि किस बारे में आप कर रहे हैं, तब जाकर आप उस पर एक अर्थपूर्ण बात कर सकते हो और उसका अर्थपूर्ण आपको उसका आउटपुट भी मिलेगा, वरना उस बात बिल्कुल जो कहेंगे कि कचरे में चली गई, जिस तरह से मुहावरा कहता है कि बात करी सब चली गई गुड़ खबर हो गई, तो इस तरह की चीजें भी होती है। अब मैं भी आपसे एक सवाल पूछूंगा कि ये तो हमने बात की इकोनॉमी की बात की है, हमने बात की कि नौकरी नहीं, आपने दो चीजें बात की, देश में कम होता है और भी बहुत सारी, हाँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आसपास के जीवन में हमारे शहरों में जो आप भी रहते हैं सोसाइटी में, तो आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर जो हम ध्यान ही नहीं देते और आपको बचपन से लगता है कि नहीं इन चीजों पर तो हमें खुलकर बात करनी चाहिए, इन चीजों पर तो ध्यान देना चाहिए, उस पर दिया क्यों नहीं जा रहा, ऐसी कोई बात आपको लगती है? ऐसी बात अभी फिलहाल में हाथरस घटना, अब अगर आप देख रहे हैं अभी तो इस पर बहुत बड़ा टूल बना हुआ है कि रोज हर जगह पे विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, और ऐसे ही पहले निर्भया केस पे भी हुआ, या ऐसा तीन या चार बार इस देश में मैं अपने होश रहते हुए देख चुका हूँ कि इनको बड़ा बड़ा मसला बनाया गया है रेप को। लेकिन अगर आप देखेंगे डिटेल में जाके तो रेप कोई ये पहली घटना नहीं है जो देश में हुई है, हर 15 मिनट में एक लड़की का रेप होता है, तो इसके बारे में हम हमेशा से बात क्यों नहीं कर रहे थे? जब हम वेट क्यों करते हैं कोई बहुत बड़े अपराध का होने के लिए? तो मुझे ऐसा लगता है इसके लिए सिर्फ टीवी डिबेट पे चर्चा करने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए हमें अपने आसपास अपने समाज में बात करनी होगी, अपने घरों में बात करनी होगी, मेन तो हमें अपने घर वालों से बात करनी होगी, उन्हें भी समझाना होगा कि समाज अब बदल रहा है, ये पहले जैसा नहीं रहा है। आज हम बेटी बचाने की बात करते हैं लेकिन अगर बेटियों का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है तो उनके घरों से ही होता है। आप देखेंगे कि जितने पोते हैं उसमें 90% मामलों में उनके परिचित ही उनके साथ ऐसा कुछ करते हैं। तो अगर हम इसके बारे में अपने समाज में बैठ के बात करेंगे और समाज में ही बैठ के इसका हल भी निकालेंगे तो मुझे लगता है टीवी डिबेट पे इस बारे में लड़ने से और या चीखने चिल्लाने से तो ये कहीं ज्यादा बेहतर। बिल्कुल सही बात आपने कही कि हमें खुद को समझना रहता है, हमारे जीवन में वो चीज उतरती है तब जाकर उसका कोई हल निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। अब मैं एक बात और ऐसा कहूंगा कि इन्होंने जो बात कही उससे मुझे एक बात याद आती है कि जैसे मैंने कहा कि हम किस चीज का इंतजार कर रहे थे, हम चलते चलते थोड़ा बात करेंगे कि किस चीज का इंतजार कर रहे थे। मैं आपको एक माइथो एक पुराने हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से आपसे बात करना चाहूंगा कि कृष्ण भगवान ने बोला था अर्जुन से, भीम से, कि तुम किस चीज का इंतजार कर रहे थे, किस दिन का इंतजार कर रहे थे? क्या तुम यही देख रहे थे कि कब दुशासन द्रौपदी का चीर हरण करेगा तब जाकर उसे सजा दी जाएगी, क्योंकि वो दुराचारी उससे पहले भी थे, तुम्हारे साथ गलत तब भी किया जा रहा था, लेकिन तुमने इतना सहन किया,
इस वजह से उनकी हिम्मत इतनी आई कि द्रौपदी के कपड़ों तक उनकी हिम्मत हो गई हाथ रखने की। तो ये आज हमें भी समझने की जरूरत है, क्या हम भी हमारे यहाँ दुशासन हमारे यहाँ पे दुर्योधनों को इतनी छूट खुद दे रहे हैं कि वो ये करने के लिए इतने हिम्मत आ जाए। तो आइए अब हम बात करते हैं। सर आपको एक मिनट डिस्टर्ब करूंगा मैं, हाँ, अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। आज का हमारी बात है जनता के मुद्दे पर, कि आपको क्या लगता है कि समाज में इस तरह के जो मुद्दे हैं उनको जो आपको लगता है कि मुद्दों पर आवाज उठानी चाहिए, उन पर आवाज उठ रही है या फिर? मुझे नहीं लगता सर कि जो मुद्दे बेसिक मुद्दे उस पर आवाज उठ रही है। आज चुनाव बोलते हैं राष्ट्रवादी है, बाकी बेसिक मुद्दे है कोई वही नहीं है, रोड पानी बिजली इस पर कोई बात नहीं होती जी। तो आप, अगर मैं आपसे अगले सवाल पूछूं कि आपको लगता है कि एक बात जिस पर बात हो ही जानी चाहिए, जिस पर बात रोज होना चाहिए कि उसका हल तो निकाल ही दो, वो एक बात आपको क्या लगती है? मुझे लगता है कि आम लोग जैसे युवा है उसके लिए रोजगार के मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही। आज तक इतने सारे न्यूज चैनल चल रहे, किसी भी चैनल के ऊपर इस मुद्दे पे ज्यादा बात होती ही नहीं है जी। देखो आज हमने जनता से बात की और उनपे दो तीन मुद्दे जो सबसे ज्यादा उठ के आए हैं वो ये है, पहला अनएम्प्लॉयमेंट, कि अगर युवाओं को रोजगार नहीं है तो बात की जानी चाहिए। दूसरा है कि महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं उन पर सिर्फ हम आवाज लगा के, सिर्फ हम मोमबत्ती जलाकर क्यों रह जाते हैं? अगर आपको भी एक व्हाट्सएप जो ये पोस्ट आया होगा, ये फॉरवर्ड आया होगा कि पता नहीं किससे हम किसने हमें मोमबत्ती जलाना सिखा दिया, वरना हम तो छोटी सी बात पर, सीता के अपहरण के बाद पर, द्रौपदी के चीरहरण के बाद लंका जला दिया करते थे, कुरुक्षेत्र मिटा दिया करते थे, वो थे। ये कभी छोटे मुद्दे नहीं थे, माफ कीजिएगा मैंने मुझसे लिखा कि छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातें सहन करके मैं कहना चाहूँ कि ये बड़े मुद्दे होते हैं, तो हमें छोटे स्तर पर इन्हें रोक देना चाहिए, तब जाकर हम बड़ी चीजें होने रोक सकेंगे। तो आज हमने जनता के मुद्दे पर ये बात की कि असल मुद्दों से क्या हमारा ध्यान भटका जा रहा है। हाँ, हमारा ध्यान भटकता है, हमारी चीजें दूसरे मुद्दों पर करते हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसका हल क्या है? केवल एक, कि आप और मैं जागरूक बने, क्योंकि आप भी उतना ही हिंदुस्तान है जितना कोई पद पे बैठा अधिकारी हिंदुस्तान है, उतना ही मैं भी हिंदुस्तान हूँ, उतना ही हम सब हिंदुस्तान है। जब हम सुधरते हैं, जब हम चालू करते हैं बदलना, सवाल पूछना, तो हिंदुस्तान शुरू होता है सवाल पूछना, तब हिंदुस्तान होता है बदलना। तो आइए आज हम खुद से ही शुरुआत करते हैं। अभी के लिए केवल इतना ही, जुड़े रहिए ताजा खबरों के लिए खबर 100 के साथ जनता की बुलंद आवाज।